क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली बराबर है, तो मैं उसको कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हेलो डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ विशाल ठाकुर, आई एम फैकल्टी एट वी स्कूलर्स अकेडमी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई डू वी नीड वन मोर सब एटोमिक पार्टिकल, क्यों डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ी, क्यों और कैसे हमने उसको डिस्कवर किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक देखा भाई, हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया जिससे पता चला एक कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर होते हैं, एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया जिससे हमें पता चला कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एनोड के अंदर होते हैं, दोनों से हमने ई बाय एम रेशियो निकाल लिया दोनों का, बहुत बढ़िया। हमने मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमने चार्ज ओन इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिया, सिमिलरली हमने प्रोटॉन का चार्ज भी निकाल लिया, जो कि दोनों का क्या आया, सेम आया और एक सबसे छोटी क्वांटिटी आई, जिस क्वांटिटी का कितनी वैल्यू थी, 1.6 × 10⁻¹⁹, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज था और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज था। दोनों का जब हमने मास कैलकुलेट किया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास आया 9.1 × 10⁻³¹ kg और प्रोटॉन का मास आया जी 1.67 × 10⁻²⁷ kg। तो हमने क्या करा भैया, जब हमें पता चल गया कि दो तरह के पार्टिकल होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, और दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे और क्या होगा, एटम पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो अगर हम एटम का मास निकालने की कोशिश करें कि दोनों का मास ऐड कर दो, जितने इलेक्ट्रॉन है जितने प्रोटॉन है उनका मास ऐड करो, आपको एटम का मास आ जाना चाहिए। बट क्या ऐसा हुआ, जब हमने देखा भाई सबका करके देखा, हमने हाइड्रोजन का करके देखा तो हाइड्रोजन का मास आ गया, हीलियम का जैसे ही मास निकाला तो हाइड्रोजन का अगर मास एक मानो तो हीलियम का मास आया 4 गुना, जबकि हीलियम का कितना आना चाहिए था, 2 गुना। तो यानी कि वहां पे कोई ऐसी भी चीज है जो आपके मास को अफेक्ट कर रही है, कोई और पार्टिकल भी आपके एटम के अंदर है। इसको ऐसे समझ सकते हैं भाई, हाइड्रोजन का मास क्या था, 1 था, क्यों, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन था, उसका मान लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है तो सिर्फ प्रोटॉन का मास ही अफेक्ट करेगा क्या एटम के मास को, ऐसा समझ सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो किसके बराबर आ जाना चाहिए था, मास ऑफ प्रोटॉन के हाइड्रोजन के अंदर। ऐसे हीलियम के अंदर देखूं तो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, सबका मास ऐड करूं तो 2 प्रोटॉन के मास के बराबर अप्रोक्सीमेटली आ जाना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल की तरह है, तो 2 प्रोटॉन का मास 1 प्रोटॉन से डबल होना चाहिए था, तो हीलियम का मास 2 गुना आना चाहिए था हाइड्रोजन के मास के। बट जब हमने चेक किया तो हीलियम का मास 4 गुना आ रहा था हाइड्रोजन के मास के, अब ऐसा क्यों हो रहा है। तो इससे थोड़ा अंदाजा लगा कि भाई हम एग्जैक्ट चीज अभी भी नहीं निकाल पा रहे हैं, एटम के अंदर कोई और चीज भी है जो इस एटम के मास को बढ़ा रही है, और वो कैसी है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्यों, क्योंकि अगर उस पर चार्ज होगा तो ओवरऑल एटम के ऊपर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, और एटम कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, तभी तो हम किसी, हमारे अंदर एटम है और हम किसी और की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे या रिपेल नहीं हो रहे, क्यों, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, तो एटम क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, तभी तो हम खुद अपने आप में न्यूट्रल हो पाएंगे। तो ऐसी चीज की जरूरत पड़ी जो न्यूट्रल हो और जिसका वेट किसके बराबर हो, जनरली प्रोटॉन के बराबर हो। तो चैडविक एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था भाई, चैडविक क्या कर रहा था, चैडविक 1932 तक हम पता नहीं लगा पाए थे कि वहां पे कोई पार्टिकल है। 1932 में चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया भाई उसने, क्या किया भाई, रेडियो एक्टिव, वो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल पे काम कर रहा था, रेडियो एक्टिव मटेरियल पे जनरली जितने बंदे काम कर रहे थे वो रहे नहीं, ज़्यादा दिन तक नहीं रहे, क्योंकि बहुत दिक्कतें आती हैं उसके बाद। रेडियो एक्टिव मटेरियल पे काम कर रहा था और उसने क्या करा, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया, किस पे, बेरेलियम की शीट पे, थिन शीट ऑफ बेरेलियम, बेरेलियम की शीट पे बम्बार्ड कराया, किसको, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया। जैसे ही अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करे बेरिलियम की शीट पे, तो एक पार्टिकल का इमिशन हुआ जो कि कैसा था भैया, न्यूट्रल था, और जिसका मास क्या था, स्लाइटली ग्रेटर था प्रोटॉन के मास से, स्लाइटली ग्रेटर,
स्लाइटली ग्रेटर था प्रोटॉन के मास से। तो क्या हुआ भाई, यहाँ पे पता चला कि यानी कि एटम के अंदर एक तीसरा पार्टिकल भी है जो कि क्या है, न्यूट्रल है। और कैसा है जी, उसका मास जो है प्रोटॉन के मास से स्लाइटली ग्रेटर है। तो चैडविक ने क्या देखा भाई, उसने बेरिलियम पार्टिकल पे यानी बेरिलियम की थिन शीट पे अल्फा पार्टिकल को क्या कराया जी, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया। तो उसने क्या देखा, एक पार्टिकल ऐसा बना जिसपे चार्ज कैसा था, जीरो था, और मास हल्का सा स्लाइटली ग्रेटर था प्रोटॉन के बराबर। और उस पार्टिकल को इसने नाम क्या दिया, न्यूट्रल होने की वजह से नाम दिया गया न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया गया जी, न्यूट्रॉन। और इसके साथ साथ जो चीज़ बची वो थी ये। तो यहाँ से पता चला कि भाई एक तीसरा पार्टिकल भी है एटम के अंदर। तो एटम के अंदर कितने सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, तीन सब एटॉमिक पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। अगर तीनों पे चार्ज की बात करी जाए तो इस पे नेगेटिव है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, इस पे जीरो है। अगर तीनों के ऊपर मास की बात करी जाए तो मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻³⁻³ kg है, प्रोटॉन का मास 1.67 × 10⁻²⁷ kg है, और न्यूट्रॉन का मास कितना है जी, 1.68 × 10⁻²⁷ kg है। देखिए स्लाइटली स्लाइटली ग्रेटर है, स्लाइटली। अगर चार्ज की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, वो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये मैग्नीट्यूड है जी, सबसे छोटा पार्टिकल यानी सबसे छोटा चार्ज जो एग्जिस्ट कर सकता है वो इतना है। ऐसे ही प्रोटॉन पे कितना चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, इतना ही, पर इतना ही उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अगर मैं तीनों को कंपेयर करूं तो न्यूट्रॉन सबसे भारी है, सबसे हैवी है, मास ऑफ न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा है, फिर मास ऑफ प्रोटॉन है, और फिर कहीं जाके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन दोनों बहुत ज़्यादा हैवियर हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 1837 टाइम्स हैवियर हैं। इसलिए जनरली एटम के मास को कैलकुलेट करते टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल किया जा सकता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा सकता है जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल किया जा सकता है। तो अगर मैं मास ऑफ एटम निकालूं, मास ऑफ एटम, तो वो क्या होगा जी, कितने तो इलेक्ट्रॉन है यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसा सा कुछ आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा लाइटर है तो उसके मास को मैं जीरो मान सकता हूँ। तो क्या बचा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन आ गया। बहुत बढ़िया, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली बराबर है तो मैं उसको कॉमन ले सकता हूँ। तो क्या आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऐड हो जाएंगे और मास ऑफ प्रोटॉन कॉमन आ जाएगा, ऐसा सा ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थोड़ी ही देर के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि दोनों के दोनों जो न्यूट्रॉन हैं, जो न्यूट्रॉन हैं और जो प्रोटॉन हैं, वो दोनों ही आपके न्यूक्लियस के अंदर आते हैं। तो इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स, और जो कि मास नंबर डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं जी, मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कलेक्टिवली जो डिसाइड करेंगे वो क्या करेंगे, मास नंबर। तो आपका एटम का मास किसके बराबर आ जाएगा, मास नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना, ऐसा कह सकते हैं। बहुत बढ़िया, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों मिलके मास नंबर डिसाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं और उनको मास से उनके मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ एटम। तो इस तरीके से हम एटम का मास निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।